हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट जो वीडियो है दैट इज़ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है, बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो स्टार्टअप्स के ऊपर जो नॉलेज कैप्सूल हमने चालू किया है, ये उसका ही वही सीरीज़ का पार्ट है। तो आप बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए ताकि फ्लो ऑफ जो नॉलेज है वो मेंटेन रहे। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरू करते हैं पहले कंसेप्ट से, फाइनेंशियल बूटस्ट्रैपिंग। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट एक्सटर्नल डेब्ट्स और इक्विटी नीडेड फ्रॉम बैंक्स और इन्वेस्टर्स। तो हमने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था स्टार्टअप्स के ऊपर, उसमें देखा कि स्टार्टअप्स होता क्या। तो ये एक मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूँ कि 2, 3, 4, 10, 15 कितने भी लोग जो है साथ में आकर एक आइडिया के ऊपर वो साथ आते हैं और वो एक स्टार्टअप चालू करते हैं। अब जब स्टार्टअप चालू करते हैं तो उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है। तो कई बार जो है, मतलब 95% जो है स्टार्टअप्स के पास फंड्स नहीं होता है, तो वो जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास, एंजल इन्वेस्टर्स के पास, बैंक्स के पास। तो ये जो है, ये इन्वेस्टर्स जो है इनको बहुत सारा जो है शेयर मांग लेते हैं। जैसे कि ये आपका स्टार्टअप है, मैं आपको जो अमाउंट चाहिए, सपोज 50 लाख चाहिए, मैं आपको 50 लाख दे दूंगा और मुझे जो है आप 50% शेयर दे दीजिए। अब ये जो है, ये चीज़ तब नहीं समझ में आती, ये चीज़ जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तब समझ में आती है। जैसे कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिकॉर्न बन गई, यानी कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा आपका वैल्यूशन हो गया, 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यूशन हो गया, और सब आइडिया आपका था, सब मेहनत आपकी थी, और वो 50 लाख देकर जो है वो 50% शेयर का मालिक बन गया। तो इस सिचुएशन को जो है अवॉइड करने के लिए जो ही ये कंसेप्ट है फाइनेंशियल बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में अगर आपको निकलना है तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है इसको आपको अवॉइड करना है ताकि आपको मेजर जंक ऑफ शेयर्स नहीं देना पड़े। तो इस समय आपको करना क्या है, आपको आपके रिलेटिव से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से बोरो करना है, या फिर ऐसे कोई आदमी से लोन लेना है जहाँ आपको शेयर्स देने ना पड़े। इसे कहते हैं फाइनेंशियल बूटस्ट्रैपिंग। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स। These are programs created to help startups get the guidance and services of wide range which they may otherwise lack the consequently fail. तो अब जब हम जो है एक स्टार्टअप चालू करते हैं तो हमारे पास जो है बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो ये सारी ज़रूरतें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी करती है जिसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहते हैं। तो ये हमें इनवाइट करते हैं कि आप अपना स्टार्टअप लेके आइए, हमारे यहाँ हम आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको स्टाफ देंगे, इंटरनेट कनेक्शन देंगे और ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे। आपको जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन आप बड़ा कीजिए और फिर उसके बाद जो है एक छोटा सा हिस्सा हमें आप दे दीजिए। तो ये होते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं। बिजनेस साइकिल। दिस आर इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड एक्टिविटीज दैट हैपन ओवर सेवरल मंथ्स, इयर्स और डेकेड्स। तो ये जो है ये साइकिल्स होती है जो फ्लक्चुएट होती रहती है मंथ्स में, इयर्स में, या फिर डेकेड्स में भी ये फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट जो है वो है कोंद्रातीव वेव्स। तो अब ये कोंद्रातीव वेव्स क्या है, कोंद्रातीव नाम की ये जो है इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, वो यूएसएसआर के थे 1892 to 1938। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि 50 साल की जो है एक वेव होती है और 50 साल के बाद जो है उसमें जो है ये साइकिल उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। तो समझते हैं क्या था ये। कोंद्रातीव वेव्स आर द सुपर साइकिल्स इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी एवरेजिंग 50 ईयर्स ईच। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाई एंड लो ग्रोथ रेट। यानी कि जो आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था है उसमें जो है 50 साल की ये वेव्स होती है, मतलब ये चक्रे होती है जिसे हम सुपर साइकिल्स कहते हैं।
तो इसे टेक्नोलॉजी साइकिल्स देखते हैं। तो पहला जो रिवॉल्यूशन था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 1771 में आया था, और उसके बाद जो है 1829 में एज ऑफ स्टीम एंड साइकिल आया। तो ये जो है ये लगभग 50 साल के आसपास जो है ये टेक्नोलॉजी वेव आई। तो यहाँ से जो है कौन अभी यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ तक यहाँ उनकी मृत्यु हो गई, तो ये दो जो है उनके पास अवेलेबल थे। तो इससे जो है उन्होंने ये कंसेप्ट डिराइव किया कि 50 साल की जो है ये साइकिल होगी, और हर बार जो है 50 साल के बाद एक टेक्नोलॉजिकल साइकिल एकदम अचानक से ये चेंज आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि उसके बाद जो साइकिल्स आए उसमें ये फॉलो हुआ। उसके बाद जो है लगभग 50 साल के बाद, इससे पहले की जो हमने देखा, इससे पहले जो था 1829 में था, उसके बाद 1908 में जो है एज ऑफ ऑयल इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑटोमोबाइल आई, और उसके बाद जो है द एज ऑफ आईटीआर। तो ये जो है रफली मतलब 50 ईयर्स प्लस माइनस जो है ये साइकिल्स ये ऐसे फ्लो होती रहती और ये चेंजेस होते रहते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि अभी एज ऑफ आईटी चल रहा है, इसके बाद जो है कौन सा एज आएगा। नेक्स्ट जो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। द लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल प्रोडक्टिव प्रोसेसेस एडिंग मोर ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल होल्डिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट व्हाइल विल एट सेम पॉइंट यील्ड लोअर यूनिट्स पर रिटर्न। तो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज ये एक फार्म है, और फार्म के अंदर जो है आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर्स लगेंगे, या आपको सनलाइट लगेगी, या आपको वाटर लगेगा, तो ये सारी चीजें आपको लगेगी। तो ये सारी चीजों का एक प्रॉपर अगर मिक्सचर होगा तो फार्म में जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो अच्छे से रहेगी। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाते गए और सनलाइट और वाटर जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका यील्ड जो है ये कम कम होते जाएगा। तो यही है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि अगर वन फैक्टर जो है बढ़ दिया जाए और दूसरे जो है इसको कांस्टेंट रखिए, तो जो यील्ड जो है वो पर यूनिट ये कम होगा। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स। होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो है स्टार्टअप का जो नॉलेज कैप्सूल हमने चालू किया है उसी का ये पार्ट है, उसी के सीरीज में आपको ये देखना है। और आपको जो है करना क्या है, आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जो है क्लिक करना है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रहा है वहाँ आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने इस चैनल के ऊपर 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की है, जो एप्टीट्यूड के ऊपर 1000 से भी ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स है, उसके बाद वैदिक मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हमने अपलोड किए हैं। अभी ये नॉलेज कैप्सूल्स जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है उसमें हम डिटेल में एक वीडियोस बना रहे, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो सके। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।